हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जी होगा अंधेरा यहाँ नहीं होगा अखिलेश। ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ की पुलिस को है। अगर आपको ये लग रहा है ना सर कि हम यहाँ से चले जाएंगे तो ऐसा होगा नहीं। ये सच की लो है सर, यहाँ से हम जाने वाले नहीं है, हम जाने वाले नहीं है। ये पुलिस वालों को बताने के लिए था कि अब आप ये सोच रहे हैं कि अंधेरा हो गया है, चलो काम खत्म, शटर डाउन हो जाएगा, कैमरा बंद हो जाएगा, हम लोग चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सच्चाई की लौ है। अगर ये हमारा हथियार है तो ये हमारी ताकत है और हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है जब तक लड़की के परिवार से मिल नहीं लेते हैं, जब तक मिल नहीं लेते हैं। और ये वो तस्वीर है, ये वो तस्वीर है जो आज उत्तर प्रदेश के हर एक अधिकारी को देख लेनी चाहिए। ये वो तस्वीर है जिसे हर एक अधिकारी को, योगी आदित्यनाथ को, उनके तमाम मंत्रियों को, उन सबको अपनी जहन में बिठा देनी चाहिए। ये एबीपी न्यूज की मशाल है जो जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक पीछे नहीं हटने वाली है और ना ही बुझने वाली है। यहाँ के सारे अधिकारी कितनी कोशिश कर ले परिवार से दूर हमें करने की, हम हर कीमत पर वहाँ पहुँचेंगे और सवालों के जवाब जो है लेकर रहेंगे। एक बार फिर से आप उस लड़के के बारे में बताइए जो ये चाहता है कि परिवार से मुलाकात हो। अंजलि, बिल्कुल रूबिका, एक छोटा सा बच्चा है जो चाहता है कि हम अंदर जाएं, हम बात करें और हम परिवार का दुख दर्द जाने। उनको क्यों नजरबंद किया गया है, क्यों उन्हें बात करने नहीं दी जा रही, और यही तो कोशिश हम कर रहे हैं। यहाँ हम क्यों खड़े हैं, इसी वजह से तो खड़े हैं कि सवाल पूछ सके। जवाब देने के लिए डीएम साहब वापस पलट कर नहीं आए, कल से जो यहाँ से भागे हैं। आप बताइए रूबिका। बापू, महात्मा गांधी, ये आपका दिन है, ये आज आपकी जयंती है, ये गांधी को, ये बापू को समर्पित कवरेज है। यकीन मानिए, हर रास्ता अख्तियार करने की कोशिश हो सकती थी और हम उस परिवार तक पहुंच सकते थे, लेकिन हमने कानून का पूरा पालन किया, हमने बैरिकेड और वो सीमा नहीं लांघी जो हर बार ये कानून, ये बाकी गुंडे और ये अपराधी लांघते रहे हैं। हमने बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है। प्रतिमा और अंजलि लगातार यहाँ पर हमारे साथ बने हुए हैं। प्रतिमा, अंधेरा कितना भी हो जाए उजाला एबीपी न्यूज बनाए रखेगा, उजाला यहाँ रहेगा और उस पीड़ित परिवार को भी इंसाफ मिलेगा, इसीलिए हमने ये लॉ जलाई है। जैसा रूबिका कह रही हैं, इसे हम बुझने नहीं देंगे क्योंकि ये इंसाफ की लॉ है, इंसाफ दिलाने की ठान ली एबीपी न्यूज ने, इसीलिए कह रहे नहीं रोकेंगे। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन देखिए आवाज में कोई भी कपकपाहट आपको महसूस नहीं हो रही, क्योंकि जो हम पूछ रहे हैं वो सच है, वो सच के साथ है। जिसकी आवाज हम बुलंद कर रहे हैं उसे इंसाफ दिलाना जरूरी है। ना थकेंगे ना रुकेंगे और इसी तरीके से हम कोशिश करते रहेंगे, पीड़ित के साथ खड़े रहे। रूबिका, ये इंस्पिरेशन होनी चाहिए इन सारे अफसरों के लिए। प्रतिमा मिश्रा सुबह से यहाँ पर डटी हुई है, अपना काम पूरा ईमानदारी से कर रही है, एक सवाल पूछने के लिए लड़की के परिवार वालों से कि ठीक तो हैं आप और क्या हो रहा है। यही काम अंजलि कर रही है, सुबह से यहाँ पर मौजूद है, एक एक आदमी से बात कर रही है कि कोई जाने से रोक रहा है तो क्यों रोक रहा है। जवाब क्या मिल रहा है अंजलि? जवाब वही रटा रटा है रूबिका, और अब प्रशासन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले हमारे हौसले तोड़ने की, हौसले नहीं टूटेंगे हमारे। हम यहाँ पर डटे हुए हैं, आपसे जवाब लेकर जाएंगे, उस परिवार से हम मिलकर जाएंगे। फोर्स बढ़ाई जा रही है, फोर्स, सुरेंद्र जरा बताइए, फोर्स बढ़ाई जा रही है, और लोगों को बुलाया जा रहा है, और लोगों को और पुलिस वालों को बुलाया जा रहा है। रविकांत, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब साफ है कि पुलिस प्रशासन और ज्यादा डर गया है, और ज्यादा उसे ये खतरा है कि लोग यहाँ पर, आम पब्लिक भी आने लगेगी, क्योंकि अब एबीपी न्यूज को देख करके लगातार पब्लिक यहाँ आ रही है, हमसे भी संपर्क करने की कोशिश। पुलिस की गहमा गहमी बढ़ गई है, पूछिए ना, जाल में फंस गई गाड़ी। हाँ हाँ, अपने बिछाए जाल में फंस गई गाड़ी, ये हालात है। अंधेरा होते ही पुलिस की गहमा गहमी क्यों बढ़ गई? प्रतिमा, इनको लगा था हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अब लग रहा है इनको कि हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है, और इसीलिए पुलिस की फोर्स और ज्यादा बढ़ा दी गई है। इंद्रजीत, इस स्ट्रैटेजी को क्या कहेंगे आप?
देखिए रात का टाइम है और फोर्स का बढ़ाया जाना ये साबित करता है कि ये किसी कीमत पर भी नहीं चाहते कि यहाँ से कोई भी आदमी रात के अंधेरे में पीड़ित परिवार से संपर्क करे। भाई चार लोगों के परिवार को क्यों रोकना चाहेंगे मीडिया से मिलने के लिए? क्योंकि अगर वो बोलेंगे तो इनके चेहरे से नकाब उतरेगा, इन्होंने जो किया है शायद वो उतर सकता है। बहुत बड़ा डर है, वरना इतनी बड़ी फोर्स कुछ लोगों के लिए लगाने का कोई मतलब नहीं है रूबिका, कोई मतलब नहीं है। बात सिर्फ चार लोगों की नहीं है रूबिका, यहाँ पे बात है पूरे गांव की। गांव के एक एक घर को कॉर्डन ऑफ किया गया है, सबको बंधक बनाया गया है ताकि कोई बात ना कर सके, कोई मिल ना सके। और वहाँ दिल्ली में प्रफुल का रुख करते हैं, वहाँ पर आप देखिए कैंडल मार्च हो रहा है दिल्ली में, लड़की के लिए, देश की बेटियों के लिए इंसाफ की लड़ाई। अब एबीपी न्यूज के दायरे से आगे बढ़ते हुए पूरे देश में फैल चुकी है, दिल्ली, मुंबई, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। सीधा रुख करते हैं, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रूबिका, इस समय जंतर मंतर पर हूँ मैं और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इस तरह से आम दिनों में यहाँ पर जंतर मंतर पर ये तस्वीर नहीं दिखाई देती, इतनी बड़ी संख्या में भीड़। और आप देखेंगे यहाँ पर लोगों ने हाथों में जो मोमबत्तियां हैं वो ले ली हैं, कुछ ने जमीन पर अपनी बात लिखकर मोमबत्ती वहां लगा दी है। और ये जो सामने मंच है ये किसी पार्टी या किसी पक्ष का मंच नहीं है, ये एक साझा मंच है जहां अलग अलग विपक्षी दल जो हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं। इसमें न सिर्फ जो अलग अलग राजनीतिक दल के नेता हैं बल्कि फिल्म कलाकार से लेकर जो एक्टिविस्ट है वो तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। योगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, स्वराज भास्कर है, जिग्नेश मेवानी, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं और साथ ही है ये बड़ी संख्या में आए हुए लोग जो इस बात का विरोध कर रहे हैं जो हाथरस में हुआ और जिस तरह से वहां का प्रशासन कर रहा है, जो परिवार है उससे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है। इस तमाम चीजों को लेकर आप यहाँ देख सकते हैं कि जिस तरह से ये जो प्लेकार्ड्स लेकर आए हैं इस पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो किस तरह से है, बेटी बचाओ वॉजेंट अ स्लोगन इट वॉज अ वार्निंग, ये इस तरह के प्लेकार्ड लेकर लोग पहुंचे हैं। और यहाँ पर मैं आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ पर दिखा दूं कि किस तरह से लोग मोमबत्तियां लेकर यहाँ पर आए हैं और अपनी अपनी जो विरोध है उसको दर्शा रहे हैं। ये देखिए लोग यहाँ पर ये मोमबत्ती लेकर आए हैं, ये कैंडल मार्च जो है वो यहाँ पर जंतर मंतर पर देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये किसी दल के लोग नहीं है, ये लोग हैं यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर जो कुछ ये सड़क पर जो है ये अपनी बात लिखी है वो हमारी चाहो तो ये रीढ़ की हड्डी तोड़ दो चाहत को, तो तमाम चीजें जो है मैसेज लिख दिया गया है। और जो लोग हैं वो मोमबत्ती लेके यहाँ बैठ गए हैं, अलग अलग संदेश जो है वो इस तरह से लिख कर लोग अपना विरोध जो है वो दर्शा रहे हैं। और यहाँ देखिए आप जहाँ भी देखेंगी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं हाथों में जो है मोमबत्ती लिए, जो कुछ हाथरस में हो रहा है और जिस तरह से हुआ है उसका विरोध करने यहाँ पहुंचे हैं। और ये किसी भी एक दल के लिए नहीं है बल्कि यहाँ पर एक जो मंच है उसमें हर किसी को जाने और बोलने की आजादी है। अलग अलग दलों के नेता भी यहाँ पहुंच रहे हैं, आम आदमी भी पहुंच रहा है और जो कुछ हुआ है हाथरस में और जिस तरह से किया जा रहा है आज भी जो कुछ हुआ है उसको लेकर ये विरोध है। और ये विरोध जो है वो यहाँ पर आप देख लीजिए किस तरह से है, जो मोमबत्ती नहीं लाए हैं वो मोबाइल अपना जो है वो ऊपर करके उसे टॉर्च जला के विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो देखिए अलग अलग तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं हम, आपको आरा लेकर चले, बिहार के पटना लेकर चले, लखनऊ भी लेकर चले और दिल्ली की तस्वीरें आपने देखी। अब रुक कर लेते हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसने बीड़ा उठाया है सरकारों को जगाने का कि बेटियों के खिलाफ ये जो नाइंसाफी हो रही है अब और नहीं। जी एबीपी न्यूज ने जो मुहिम छेड़ी है वो मुहिम अब मुंबई तक पहुंच चुकी है और मुंबई की बहुत सारे लोग मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं आप देख सकते हैं। और हाथरस में जो बेटी के साथ हुआ है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, एबीपी न्यूज ने जो मुहिम छेड़ी है उसके साथ मुंबई के सारे लोग हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? उनको जल्दी से जल्द सजा होना चाहिए, वह हाथरस वाले को कोई छोड़ना नहीं चाहिए। हमारे
जैसा महाराष्ट्र में कोई सब उंगली दिखाते थे, ऐसा यूपी में कोई दिखाने वाला नहीं है। कोई नेता उधर वो कोई जा नहीं रहे, न्यूज वाले को कोई जाने को नहीं दे रहे। ऐसे आदमी को जल्दी से जल्दी सजा होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। तो ये मुंबई की जनता है, आप देख रहे हैं कि मुंबई की जनता की मांग है कि फांसी मिलना चाहिए। और भी हमारे साथ तमाम लोग हैं यहाँ पर जो इकट्ठा हुआ है, मुंबई में महिलाएं हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। मैडम, एक बेटी के साथ जो है हाथरस में बलात्कार हुआ, पुलिस ने जो है उसकी लाश को जला दिया, उसके घर वालों से मिलने नहीं दिया, क्या कहेंगे? एक माँ है आप, जो है अगर आप बेटी के साथ होता है तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से जो है न्याय मिलना चाहिए? गलती है ना, गलती है ना, जो है वो गलती की है ना, उसका सजा होना चाहिए, तो कोई परवाह नहीं, जो गलत किया है उसका सजा होना चाहिए। तो ये मुंबई की जनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुंबई की जनता मौजूद है और वो लगातार जो हाथरस की बेटी के साथ जो हुआ है उस पर सवाल उठा रही है और मांग कर रही है कि उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। पूरा देश इस वक्त हाथरस की बेटी के साथ, जितने भी लोग दरिंदगी में शामिल थे उनके खिलाफ सजा की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं, सिर्फ पटना नहीं है, सिर्फ राजस्थान नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं है, सिर्फ महाराष्ट्र नहीं है, पूरा देश इस वक्त एबीपी न्यूज के साथ मौजूद है। ये मशाल ही समझिए आप, ये मशाल है सच्चाई की और इंसाफ की। और लगातार यहाँ से वो सवाल पूछे जाते रहेंगे उन कुर्सियों पर बैठे तमाम नेताओं से, मंत्रियों से, संतरियों से, उन अधिकारियों से, उन पुलिस की वर्दी में बैठे वो तमाम लोगों से कि बताइए हमें अपना काम करने से क्यों रोका जा रहा है। अगर देश की बच्ची सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है और अगर हम वो सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप हमें रोक क्यों रहे हैं। और इसीलिए आज हाथरस की जमीन से एबीपी न्यूज की पूरी टीम यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। मैं फिर बता दूं, इंद्रजीत हमारे साथ मौजूद है, नीरज हमारे साथ मौजूद है, प्रतिभा मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रही है, अंजलि आपको दिखाई दे रही है, रविकांत और अभिषेक हम सुबह से यहाँ पर कवरेज जारी रखे हुए हैं। रात का ये पहरा भी हमें रोक नहीं पाएगा। सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सुन लीजिए उत्तर प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर, सुन लीजिए अपर मुख्य सचिव जो कल ही चार्ज लेकर सूचना मैनेजमेंट के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं हो पाएगा प्रतिमा, आज नहीं हो पाएगा, आज एबीपी न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है। और यहाँ पर भी नारेबाजी शुरू हो चुकी है प्रतिमा, तो यहाँ भी नारेबाजी शुरू, देखिए यहाँ हो क्या रहा है। हमारी इंसाफ की लौ जल रही है और यहाँ उसका असर भी दिख रहा है। उसका असर पीछे दिखाइए सुरेंदर, पीछे दिखाइए कैसे जनता अपने मोबाइल के फ्लैशलाइट जलाकर सपोर्ट कर रही है। लौ तो जल ही रही है, मोबाइल के फ्लैशलाइट भी जल रही है। ये सपोर्ट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जिसको जो मिल रहा है वो लेकर वो यहाँ शामिल हो गया है। ये देखिए एबीपी के समर्थन में हाथरस की जनता भी उतर आई। देश दुनिया की तस्वीरें तो हम दिखाएंगे, जहाँ ग्राउंड जीरो पर हम मौजूद है हाथरस में भी जल रही है मोमबत्ती, सही तो मोबाइल की फ्लैशलाइट ही सही, जल रही है, जलती रहेगी और तब तक नहीं बुझेगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। और इसी के लिए लड़ाई हमारी जारी है, एबीपी को मत रोको, लगातार यही आवाज हम बुलंद कर रहे हैं। अब प्रतिमा जरा एक बार फिर से वर्दीधारियों से पूछ लिया जाए कि कब तक यहाँ पर रहने वाले हैं। सर कब तक यहाँ पर रुके रहेंगे आप लोग, कब तक रुके रहेंगे? अभी अभी आए आप लोग, अभी अभी हुई आपकी शिफ्ट शुरू, आपकी शिफ्ट यही अभी शुरू हुई है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, शुरू से चल रही है। हाँ, इनकी शिफ्ट बदलती रहेगी, हम यहाँ डटे रहेंगे। आप लोगों की शिफ्ट, सीओ साहब का नीरज चलिए ना, सीओ साहब सर कब तक खड़े रहे, कब तक रहेंगे यहाँ पर आप, कब तक अंदर नहीं जाने देंगे, कब तक सर? जो फीवर है कुछ तो बोल दीजिए सर। हम लोग ये लॉ बता रही है कि हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग सच के लिए लड़ रहे हैं और हम लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम लोगों को लेके चलिए परिवार से मिलाइए ताकि हम लोग एक बार बात करें। हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहते, हम अहिंसावादी लोग हैं, सवाल पूछना काम है। आपके पास गन है, डंडा है, हमारे पास तो केवल माइक है साहब। वीर कुमार साहब कैन वी गो इनसाइड, हम जा सकते हैं अंदर अब?
हम जा सकते हैं अंदर? कब तक आपकी फोर्स यहाँ कब तक रहेगी? आपकी फोर्स कब तक रहेगी? कब तक फोर्स रहेगी सर, ये बता दीजिए। जब तक हम रहेंगे तब तक आप यहाँ रहेंगे? पूरा देश चंद मीडिया के लिए इतनी बड़ी फोर्स आप लोग लगा रहे हैं। अरे रात को जांच तो नहीं होगी? रात को एक बार बात कर लेने दीजिए, उनसे पूछ लेने दीजिए। हमारा मकसद साफ है कि हम उनसे पूछना चाहते हैं उनके ऊपर कैसा दबाव बनाया जा रहा है, ये तो वाजिब सवाल है ना, ये तो पूछ लेने दीजिए। सीओ साहब, एसआईटी की जांच का हवाला आप लोग दे रहे हैं, 3 दिन से दे रहे हैं कि एसआईटी की जांच चल रही है। सर अभी कौन सी जांच चल रही है? सर मुझे ये बताइए, रात को भी एसआईटी की जांच होती है क्या? देखिए सबसे बड़ा सवाल सीओ साहब की पुलिस और उत्तर साहब, रात को भी एसआईटी की होती है? रात को भी एसआईटी की जांच? सबसे बड़ा सवाल इससे भी पहले सवाल ये, हम रुकने वाले नहीं, हम रुकने वाले बस एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। पूरा देश इस वक्त एबीपी न्यूज की आवाज, एबीपी न्यूज के साथ है, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एबीपी न्यूज हाथरस में मौजूद है, हाथरस में अभी नहीं, सुबह से हम यहाँ डेरा जमाए हुए हैं और ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे लिए इतनी भारी भरकम संख्या में पुलिस क्यों, क्या वजह है? वहाँ पटना से निधिश्री और आरा से अखिलेश मेरे सहयोगी मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, बिल्कुल बिल्कुल रूबिका, देखिए सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा हो गया है कि ये जो जगह है हाथरस, ये कोई आइलैंड तो है नहीं, कोई द्वीप तो है नहीं, भारत का अभिन्न हिस्सा है। वहाँ पर मीडिया वालों को जाने से क्यों रोका जा रहा है? एबीपी न्यूज को क्यों रोका जा रहा है? जो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है अभिव्यक्ति की आजादी, उस पर क्या ये हमला नहीं है? हाथरस की घटना से लोग बहुत ज्यादा नाराज है और उसके बाद मीडिया कर्मियों को जैसे रोका गया है, उससे बिहार की जनता बहुत ज्यादा गुस्से में है। कहने को तो लोग कहते हैं बेटियां आजाद हैं, जैसे 370 जैसी धारा, 3 तलाक, राम मंदिर, जहां सीता की ही इज्जत सरयाम रोड पे ये हो जा रही है, और न्यूज मीडिया वाले को रोका जा रहा है ताकि पता ना चले कि क्या हो रहा है, कैसे हुआ, आखिर कब इसका पर्दाफाश होगा, हम लोग कैसे ये न्यूज हम लोग को पता चलेगा, आखिर क्यों मीडिया को रोका जा रहा है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये बेटियां खुद में एक क्वेश्चन बन गई है, खुद से ये सवाल है कि आखिर हम तो कहते हैं हे भगवान, कभी भी जन्म देना तो बेटियों मत देना। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, ऐसा मत सोचिए, पूरा हिंदुस्तान आप लोगों के साथ खड़ा है। ये आधी आबादी की जो लड़ाई है, ये पूरी आबादी की लड़ाई हो चुकी है आज की तारीख में, और यही वजह है कि आप देखिए बहुत बड़ी संख्या में पुरुष भी घरों से बाहर निकले हैं, आप देख रहे हैं इनके हाथ में कैंडल है। और आपको हम बता दें, यहाँ से ये कवरेज क्यों महत्वपूर्ण है बिहार की धरती से, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बहुत बातें हुई, बेटे की बहुत बात हुई, लेकिन वो बात तो होनी चाहिए, बेटी की भी हमें चिंता है। जो हाथरस में हुआ उस पर क्या कहेंगे आप लोग? बिल्कुल गलत हुआ, लेकिन अभी तक यही तो सवाल है कि बेटे की बात करेंगे लेकिन बेटियों पर चुप रहेंगे, ऐसा क्यों? निधिश्री भी वहाँ पटना से हमारे साथ मौजूद है। निधिश्री जी, जी 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 बिल्कुल, देखिए रूबिका, मेरे हाथ में कैंडल है और इन सबके हाथ में कैंडल, और हमने कहा कि भले शाम हो गई है लेकिन हम अंधेरा नहीं होने देंगे, देश की तमाम बेटियों के लिए हम आवाज उठाएंगे। और यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं सभी लगातार डटे हुए हैं, हमने इनसे कहा कि अगर आप लोगों को देरी हो रही तो आप जाइए, लेकिन सबका यही कहना है कि आखिरकार जो यूपी पुलिस का रवैया है, जो हाथरस प्रशासन का रवैया है, उस पर सवाल उठना जरूरी है। और इसीलिए तमाम महिलाएं भी हैं यहाँ पर, आप क्या कहना चाहती हैं? आप जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, इसके अलावा? बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, 8 साल बाद फिर वही कहानी दोहराई गई है, हर समय ऐसा कैसे चलेगा? कब तक बेटी बहन सुरक्षित घरों से बाहर नहीं निकल पाएगी? जाहिर सी बात है, देखिए महिलाएं भी और पुरुष भी हैं साथ में सर, जो हुआ वो गलत हुआ, और एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है कि आखिरकार इंसाफ कब मिलेगा, देरी क्यों हो रही है, और लगातार जो सच छिपाने की कोशिश कर रही है पुलिस वो क्यों कर रही है यूपी? अब मैं आप ही से पूछता हूँ, ये यूपी में क्या हो रहा है योगी जी सरकार का? मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, आज तो मीडिया भी आपका खतरे में आ गया, मीडिया को उस पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं मोदी जी के आपके चैनल के माध्यम से योगी जी से पूछता हूँ, क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जुमला है? जाहिर से बात है, जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर, यही तो हमारी ताकत है, पूरा देश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। फिलहाल हम एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं, लेकिन अब
अब सत्य एक बहुत बड़ा खुलासा एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर अब से कुछ ही मिनटों बाद आप देखने वाले हैं। ये सबसे बड़ा खुलासा आज की तारीख में अंतिम सत्य है लड़कियों की सुरक्षा के लिए और उस जाने वाली बेटी की तरफ से। लौटेंगे जल्दी।